हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी आपको विहान के हाथ में एक फ्रूटी की बोतल दिख रही है, साथ में एक चॉकलेट भी दिखेगी, डेरी मिल्क वाली। वो पापा जी ने आज विहान को लेकर चले गए थे, क्योंकि इतने दिनों बाद मिले थे तो हमारे वहाँ सोसाइटी की दुकान से दिलवा लाए थे, तो अपने हाथ में ही लेके घूम रहा था। और मैं नहा के तैयार हो गई थी क्योंकि आज मुझे जाना था हॉस्पिटल, बट आज मेरी कोई भी सीटिंग नहीं है कि आज ना तो मुझे कोई बालों का ट्रीटमेंट करवाना है, ना ही मुझे कोई अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाना है। मैं विहान के लिए आई हूँ हॉस्पिटल, मुझे विहान के दांत दिखाने थे। मैंने अभी आज से 4 से 5 महीने पहले भी दिखाए थे, एक जो लेडीज़ डॉक्टर थे, वो डेंटिस्ट थे, उनके पास दिखाया था। उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि अभी हम वेट एंड सी, मतलब वॉच की स्टेज पे हैं, मतलब अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे के दांत। तो मतलब अभी विहान को फिर मैं यहाँ सेवक सभा हॉस्पिटल में, यहाँ पर ना डॉक्टर रोहित सर थे, उनके पास मैंने पर्ची कटवाई थी। यहाँ मैं सेकंड टाइम आई हूँ, एक बार मैंने दांतों की अपनी सफाई करवाई थी आज से 2 साल पहले, क्लीनिंग करवाई थी तब मैं आई थी। तो मैंने कहा चलो विहान को दिखा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे भी लगता है, मैं भी बहुत वरीड हूँ अपने बच्चे के दांतों को लेके कि विहान के दांत ऐसे क्यों आ रहे हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से दांत आ रहे हैं और थोड़े से मतलब छिद्दे छिद्दे से दांत आ रहे हैं। एक वो होते हैं ना बिल्कुल साफ़ सुथरे से दांत, शुरू से ही नहीं आ रहे हैं, तो उसका कारण भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे डिस्पेंसरी है ना उसके सामने यहाँ छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है गणेश जी का। तो यहाँ पे मैंने पूछा तो मुझे पता चला डेंटिस्ट जो है ना डॉक्टर सर, वो सामने सीधा जाके फिर हमें राइट लेना है और सीढ़ियों से ऊपर जाके वहाँ पर सर मिलेंगे। करीबन आधा घंटे की मेरी वेटिंग थी, क्योंकि जो आप समझ सकते हो जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर जब हम बैठे थे तो फिर मेरी डॉक्टर सर से बात हुई थी, उन्होंने विहान के दांतों को अच्छे से देखा भी था और उन्होंने बोला है कि विहान के ना दांतों के अंदर ना मतलब एक एक बाकी दांतों की दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूध के दांत हैं ये तो निकल जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, लेकिन विहान की एक जो जाड़ है ना लेफ्ट नहीं राइट साइड वाली, उसमें कीड़ा लग गया और उस कीड़े की वजह से विहान की जाड़ में प्रॉब्लम है थोड़ी, तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और देखिए विहान बच्चा है अभी, तो वो एकदम से तो ट्रीटमेंट नहीं लेगा, यही डॉक्टर ने बोला। इसको हमें अब 2-3 विजिट्स करवाएंगे, महीने बाद, फिर महीने बाद, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा फिर विहान का ट्रीटमेंट करेंगे दांतों का। बोलते बाकी चीज़ों के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे की दांत जाड़े होती है ना वो 12 साल बाद नहीं आती है। अभी ये जाड़े 12 साल चलनी है, तो फिर रूट कैनाल करवाना पड़ेगा विहान की एक तरफ जाड़ में, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ने मुझसे पूछा अभी क्या विहान कहता है कि उसे दर्द होता है, तो मैंने कहा हाँ कई बार मुझे बोलता तो है, इस साइड ही हाथ करके बोलता था मम्मी मुझे दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। तो बोलते वही कीड़ा लगने की वजह से उसकी जाड़ में प्रॉब्लम है एक तरफ की, उसको फिल करवाना पड़ेगा, फिलिंग करवानी पड़ेगी, रूट कैनाल हैं, जिसको मुझे नहीं पता उसमें क्या प्रोसीजर होता है, बाकी डॉक्टर आगे करेंगे। बुलाया है, एक महीने बाद बुलाया, एक टूथपेस्ट लिखा है विहान के लिए, कहा है कि बच्चों वाला टूथपेस्ट अलग होता है, बड़ों वाला नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इधर मैं वेटिंग था, तो मेरे को मैं अपने साथ बुक हमेशा लेके जाती हूँ, जब भी मैं किसी हॉस्पिटल में मेरे को वेट करना पड़ता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कई बार आधा घंटा कई बार 1 घंटे की वेटिंग भी हो जाती है। तो मेरी आदत नहीं है मोबाइल फ़ोन चलाने की, या फ़ोन में ऐसे ही बिना काम के कुछ भी देखती रहूं, मतलब फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम मैं कम चलाती हूं, मैं यूट्यूब तो चला लेती हूं। तो फिर मैंने क्या किया, अपनी एक ये बुक साथ में रखी हुई थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो ये बुक मेरी ना पिछले 8 दिन से पढ़ रही हूँ, मेरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और कितनी छोटी सी बुक है। तो यहाँ पे सर विहान के दांत चेक कर रहे थे और बहुत ही प्यार से डॉक्टर सर ने ट्रीट किया विहान को, क्योंकि वो बच्चा है, तो उस हिसाब से बहुत ही प्यार से बोल रहे थे बच्चे इधर आओ ऐसे, और विहान ने बहुत आराम से कम्फर्टेबली अपने दांत दिखा दिए थे। यहाँ मैं टूथपेस्ट के लिए डिस्पेंसरी की तरफ जा रही थी, तो मैं गलत साइड आ गई थी, बाद में बोला उन्होंने कि ऊपर एक और डिस्पेंसरी है ना, वहाँ पर मिलेगी दवाई। तो दवाई तो कुछ नहीं दी विहान के लिए, बस ये बोला है कि टूथपेस्ट दूसरा चेंज करा है, जो किया है वो मेरे को अभी मिला नहीं, यहाँ पे था नहीं अवेलेबल, और दुकान से मैं बाजार जाऊँगी दिन में दोबारा तब लेकर आऊँगी। यहाँ देखो ये वाली थी, यहाँ केमिस्ट पे पूछा, यहाँ मिला नहीं पेस्ट। अच्छा तो यहाँ पे मैं 50 रुपए के अमरूद ले रही हूँ भैया, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तरबूज पे तो सुई लगती है ना, तरबूज ही खाना है। किस बात के लिए चॉकलेट खिलाती थी विहान को, सिर्फ इसलिए? हाँ मम्मी आप बोलते तो इसके दांत खराब कर दिए ना चॉकलेट खुआ के। सॉरी बहुत मना किया, बहुत किया मना के, मत इसको खिलाया कर।
इसके दांतों में अब कीड़ा लग गया, छोटा सा बच्चा है। मम्मी मेरे से गलती हो गई। हाँ फिर अपनी गलती का सुधार करती ना, देखती बच्चे को क्या खिला रही। कि बच्चे इसके इतने छोटे से बच्चे का डॉक्टर रूट कैनाल बोल देंगे। खुद भी इतनी चॉकलेट खाती है, चैनल पे भी दिखाई 10-10 चॉकलेट खाती है, इसको भी खिलाती है साथ। सॉरी मम्मी माफ कर दो, हाथ जोड़ रही हूँ। हाँ अब मत खिला इसको, अभी इसको दूध पिला, कैल्शियम की कमी है ये और कुछ नहीं है। ठीक है मम्मा, इसको दूध पिला। ये क्या कर दिया, इसका हाल बेचारे का। मम्मी मेरे को क्या पता था मम्मी इसका इतना बोल देंगे। छोटे बच्चे को तो कोई भी नहीं खिलाता मीठा। कीड़ा लग गया था दांतों में, कीड़ा लग गया था मम्मी दांत में, फिर डॉक्टर ने बोला कि ये देख तू दिखा रहा है मम्मी की। अभी इसको पेस्ट करवा, डेली पेस्ट हाँ, करो 2-3 टाइम। हाँ पेस्ट करेगा, मैं पेस्ट करती हूँ तो तभी कहता हाँ। क्या कर रहे नन्नी, ये भी करेगा करेगा। मम्मी एक्चुअली पता है क्या हुआ, बात मैं आपको बताती हूँ। आज डॉक्टर के गई थी ना मैं, तो जो डॉक्टर है ना उन्होंने बताया कि जो विहान है ना उसके दांत ना जैसे बच्चा जैसे दूध जैसे कई बार पैसे पीता है, यही बोला जो डॉक्टर ने बोला, मैं वही बता रही हूँ मम्मी आपको, कि जैसे बच्चा जैसे छोटा होता है वो दूध पीता है ना, जैसे माँ का भी फीडिंग लेता है वैसे भी फीडिंग लेता है, तो वो रात को जैसे मुँह में दूध इकट्ठा कर लेता है, उसकी वजह से क्या होता है ना वो बैक्टीरिया बन जाते हैं दांत में, और उसकी वजह से ना बच्चों के दांत इस तरीके से होने शुरू हो जाते हैं खराब। तो बोलते हैं दांतों की, मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि विहान के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं या फिर बाहर निकले हुए आ रहे हैं, तो बोलते उन उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दांत तो जाएंगे दूसरे आएंगे। बोलते बट लेकिन विहान के इधर वाली जो जाड़ है ना यहाँ पे कीड़ा लग गया हाँ। और कीड़ा लगने की वजह से ना विहान के जो इधर वाली दांत है जाड़ है ना उसमें उसमें रूट कैनाल करवानी पड़ेगी, उसकी जाड़ भरवानी पड़ेगी क्योंकि उसको खाना खाते हुए दर्द हो रहा है हाँ। इस साइड इसीलिए वो रोटी नहीं खा रहा है, इसीलिए वो ज्यादा मतलब क्योंकि इस साइड उसको पेन होता है थोड़ा थोड़ा। तो बोलते ये डॉक्टर ने भी बोला है कि अभी तो बच्चा क्योंकि करवाएगा नहीं विहान क्योंकि ये छोटा है और उसको थोड़ा सा थोड़ा कंफर्टेबल होगा तभी वो करवाएगा ये रूट कैनाल, तो इसके लिए ना हर मतलब महीने आपको आना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो, हम भी इसके दांत आगे चेक करते रहेंगे और विजिट्स इसकी करवानी पड़ेगी, जैसे नेक्स्ट मंथ फिर आना पड़ेगा मुझे, फिर डॉक्टर देखेगा कि हाँ अभी क्या पता आगे ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो तो थोड़ा मतलब हो सकता है। वो पानी से बोल रहे थे कि सफाई करवा देंगे इस तरीके से, तो मैं आज गई थी विहान को दिखाने के लिए आपके सामने डॉक्टर के, तो ये सब बोला मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है माफ कर दिया, लेकिन गर्म पानी करके हाँ, गर्म पानी से कुरले करवा। डॉक्टर ने ये भी बोला कि अगर ना जैसे विहान अगर मान लो ब्रश नहीं करता, अगर वो जिद करता है ब्रश नहीं करना, तो रात को सोते हुए इसका कॉटन गीले कॉटन से ना बस इसके वैसे ही दांत साफ कर दिया करो, ताकि ना रात को जैसे कैविटी ना जमे बस दांतों में। ये तो ना इसको करवाएगी तो पेस्ट 3-4 दिन में रेगुलर हो जाएगा। हो जाएगा हाँ, मेरे को देखता ना पेस्ट करते हुए जब भी बोलता है नानी आप क्या कर रहे हैं। नहीं मैंने मैंने इनको बोला है कि 2-4 दिन ये करवाए, मेरे हाथ से करता नहीं, मैं बहुत पीछे भागती रहती हूँ, इसके रोना शुरू कर देता है, तो क्या पता जैसे दूध मेरे हाथ से नहीं पीता विहान, बट ना ऊपर वाले जो वो है ना मतलब पड़ोसी है उनके हाथ से पी लेता है, तो क्या पता उनके हाथ से पी ले, है ना मम्मा। हाँ बाकी मम्मी आप बहुत प्यारे हो। ठीक आप नहाने जा रहे हो। हाँ नहाने जा रही हूँ। ठीक है मम्मा आप नहाने चले जाओ। सॉरी मम्मा गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। सही बोला मम्मी ने, बिल्कुल सही बात कह रही है मम्मी, गलत नहीं कह रही है कुछ भी, बड़ों की बात मानने में ना हमारी भलाई होती है, नहीं मानते ना बड़ों की बात तो बाद में ऐसे ही पछताते हैं हम लोग। विहान देखिए अभी जैसे विहान का अभी रूट कैनाल होगा, अभी अगले महीने इसकी दांतों में पानी से सफाई की जाएगी, देखते हैं डॉक्टर आगे क्या प्रोसीजर करते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि रूट कैनाल तो करवाना पड़ेगा, एक साइड का, एक जाड़ का, एक जाड़ में कीड़ा लग गया है यहाँ, तो मुझे पता है अभी तो मेरे रिश्तेदारी में फैमिली में जो जब भी ये वीडियो जाएगी सबको मुझ पे बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि कहते नहीं है कि बच्चा बीमार हो और कुछ भी दिक्कत हो तो माँ को सबसे पहले जिम्मेदार ठहराया जाता है कि हाँ माँ की तरफ से कोई कमी रह गई होगी तब बच्चे के ऐसे दिक्कत हुई है, होता है ये बात, तो क्योंकि कहते नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी एक तो माँ के ऊपर ही होती है, बच्चे का खाना पीना रहना सहना हर चीज का, तो अब हर जगह फैमिली में भी ये बात जाएगी कि देखो 3 साल 8 महीने की बच्चे की जाड़ में रूट कैनाल करवाना पड़ रहा है, इतना कीड़ा कैसे लग गया बच्चे का, है ना, कि बच्चे की जाड़ इतनी छोटी उम्र में मतलब भरवानी पड़ेगी विहान की एक साइड की। तो विहान काफी टाइम से मेरे को शिकायत करता था इस साइड की, बोलता था मम्मी दर्द हो रहा है इधर दर्द हो रहा है,
तो इसीलिए क्या पता, मेरे को भी मन में शक यही था कि ये रोटी कम खाता है ना, तो क्या पता रोटी इसको चबती ना हो या इसको दर्द होता हो रोटी खाते हुए। फल फ्रूट खा लेता है ये, फल फ्रूट थोड़ा सॉफ्ट होता है, पपीता वगैरह केला वगैरह, क्या पता इसलिए ना खाता हो। तो डॉक्टरों ने दिखाया, मैंने बोला। और देखिए मैं बात बताऊं आपको कि बच्चे का ब्रशिंग का तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, विहान को ब्रश करवाना बहुत ज्यादा। मैं अभी भी बहुत कोशिश करती हूँ, 1 महीना हो गया है, बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी नहीं मतलब रेगुलर हो पा रही हूँ विहान के साथ ब्रशिंग में। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं करवाना नहीं चाहती, मैं इसके पास ब्रश लेके नहीं जाती, मैं रोज लेके जाती हूँ, ये मुझसे करवाता नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से, तो कई महीने हो गए। जैसे विहान के पास ब्रश लेके जाओ, वो खींच के उठा के मतलब वो मुंह ही नहीं खोलता है। जैसे बच्चा एक जैसे इंजेक्शन लगना होता है तब बच्चा रिएक्ट करता है ना, ये ब्रशिंग करते हुए वैसे रिएक्ट करता है, नहीं करवाता ब्रश। नहाते हुए तो आपने देखा ही है, लेकिन नहाते हुए भी इतना नहीं करता जितना ब्रशिंग में, मुंह ही नहीं खोलता। मैं कैसे ब्रश करवाऊं इसको? मेरे लिए तो कल भी मैं लेके गई हूँ ब्रश, नहीं करवा पाई मैं। मैंने पूरा अपनी 15 मिनट लगी रही मैं इसके साथ भी, हाँ प्यार से भी समझा के देख लेती हूँ, डांट के भी देख लिया, इसके हाथ पकड़ के इसका जबरदस्ती मुंह खुलवा के भी देख लिया, ऐसे ऐसे कर देता है ब्रश मैं अंदर, कैसे करूं भाई? मेरी वही प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे से करवा ही नहीं रहा है बिल्कुल ही ब्रश। मैंने बात स्कूल में भी बोली हुई है कि मेरे से नहीं हो पा रहा ब्रशिंग, कैसे करवाऊं मैं इसकी? मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है जब बच्चा हट अपनी जिद पे आ जाए ना कि नहीं मुझे करवाना ही नहीं है ब्रश, वो चीज है इसके साथ। हाँ किसकी है ये? किसकी है? मतलब की नहीं है। हाँ हमारी है, खेले खेले जा। अब मैंने इसीलिए ना अभी बात करी है, जैसे पड़ोस में रहते हैं उनको बोला है कि आप करवाओ इससे कुछ दिन ब्रश, क्या पता हो सकता हो कि मेरे से नहीं करवाता हो और किसी से करवा ले ब्रश, धीरे धीरे आदत पड़ जाए, क्योंकि मेरे हाथ से तो ये नहीं करता है बिल्कुल भी, मेरे हाथ से दूध भी नहीं पीता है ये, अपनी मनमानी मेरे से तो करवा लेता है भाई। इसको पता है बच्चे बहुत थोड़ा वो स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये पेरेंट्स जो है ना ये सॉफ्ट हार्टेड है या फिर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और मेरे से हुआ नहीं जाता स्ट्रिक्ट। आप लोग भी कमेंट करते हो आप विहान को डांट दिया करो, ऐसे कर दिया करो वैसे, मुझसे नहीं हो पाता। मैं कोशिश करती हूँ, इसको इतना पता है, मैं इसके पास ना ऐसे लेके भी आ जाऊंगी ना, डांटूंगी ना, चिल्ला के भी डांटूंगी विहान पे, ये हंसने लग जाता है। इसको ये भी पता है कि मम्मी एक्टिंग कर रही है डांटने की, डांट नहीं रही है, ये मेरी पूरी वो समझ चुका है, तो ये अपनी मनमानियां करवा लेता है मेरे से। मैं क्या करूं, मेरे बस का नहीं, मैं यही चीज मेरे से पड़ोस में बोला हुआ है वो करवाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। और आज मैंने देखो लिपस्टिक लगाया हुआ है, आप सोचोगे ना नहीं लगाया हुआ, लेकिन मैंने बिल्कुल ये देखो न्यूट्रल कलर लगाया है। ये कैसे लगते हैं? इस तरीके के मेरे पास बहुत शेड्स है, बट मैं कम लगा रही थी आजकल, मैंने सोचा रोज रेड रेड लगाती हूँ, थोड़ा सा कुछ और शेड ट्राई करते हैं। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना खूबसूरत ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।